हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो वक्त आ गया है हिमाचल से जांस्कार की तरफ प्रस्थान करने का। अभी मैं हूँ दारचा और ये मेरे जो पीछे रोड देख रहे हैं ये दारचा की तरफ से आया हूँ मैं। दारचा मतलब मनाली साइड से। और यहाँ पे क्या आता है कि एक तीन रास्ते हैं और इस जगह पे बड़ी कन्फ्यूजन होती है कई लोगों को, क्योंकि यहाँ से अब सामने वाला जो रास्ता मेरे है वो जांस्कार की तरफ जाता है और ये जो यू टर्न लेके ऊपर की तरफ जा रहा है ये एक्चुअल में ले की तरफ जाता है। तो मुझे निकलना है सीधा जांस्कार के लिए। बहुत दिनों से इंतज़ार था इस पल का कि जांस्कार जाना है। सो फाइनली आज यहाँ से अब 35-40 किलोमीटर चढ़ाई है, एक शिंकुला पास है वो क्रॉस करके और जांस्कार की तरफ एंटर हो जाएंगे। सो लेट्स गो, करते हैं स्टार्ट। ये गाड़ी खड़ी है अपनी यहाँ पे दारचा 2 किलोमीटर यहाँ से। तो ये जो नीचे रोड आया है ये आता है दारचा की तरफ से और ये जो ऊपर गाड़ी गई है यहाँ से मुड़ के, तो ये ध्यान रखना अगर आपको ले जाना हो तो दारचा के 2 किलोमीटर ऊपर आके ना ये जो सीधा रास्ता है ये जांस्कार की तरफ जाएगा और यहाँ से ये जो गाड़ी मुड़ी है ये जाएगी लेह की तरफ। ये भी कन्फ्यूजन में सीधे आ गए, अब वो बोर्ड देख के गाड़ी को बैक कर रहे हैं और फिर उधर से जाएंगे। पहले क्या होता था कि जांस्कार जाने के लिए पहले कारगिल जाना पड़ता था। अभी बीआरओ ने पिछले 2-3 सालों में इस तरफ लाहौल की तरफ से ये रास्ता काटा है, तो ये सड़क थोड़ी दूर तक जाएगी आई थिंक शिंकुला मैक्सिमम में भी। उसके बाद फिर ऑफ रोड शुरू हो जाएगा। तो पूरा रास्ता इसको कंक्रीट रोड बनने में भी कुछ साल और लग जाएंगे, बट और इस तरफ से भी ज़्यादा टूरिस्ट वगैरह नहीं जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पीछे कितना ट्रैफिक था और यहाँ अब आगे सुनसान शांति। अभी तक तो रोड बढ़िया है और ठीक चल रहा है, थोड़ा प्लेनिश है। आगे मेरे को लग रहा है एक सामने गांव है। पानी की बोतल यार मैं फिर भूल गया आज नीचे, अभी ध्यान आया तो वहाँ से देखते हैं। यहाँ आगे जो गांव है उसके सारे लोग यहाँ नीचे मुझे दिखाई दे रहे हैं खेतों में, क्योंकि यहाँ पे सर्दियों में बर्फ़ गिरती है तो गर्मियों में एक ही फसल होती है, तो इसलिए अभी इनका सब्जियां वगैरह जो भी फसल है उसकी बुआई का टाइम है, तो पूरा गांव खाली मिलेगा। यहाँ नहीं, लाहौल है, स्पीति है, लद्दाख, वहाँ पे जून जुलाई अगस्त का महीना जो है ऐसे ही रहता है। ये देखिए ये है वो गांव, यहाँ से मुझे 10-12 घर दिख रहे हैं मुश्किल से, इतना ही है ये गांव। लाहौल से जैसे ही लद्दाख की टेरिटरी की तरफ बढ़ते हैं तो फिर एक अलग ही एटमॉस्फेयर हो जाता है। ऐसे सूखे सूखे ऊंचे ऊंचे पहाड़, रास्ता है, कहीं पे रोड होता है, कहीं पे ऑफ रोड होता है, और ख़ासकर अभी जांस्कार वाला एरिया तो जो कि इस वक्त मेरे ख्याल से लद्दाख का सबसे रिमोट और लेस एक्सप्लोर्ड और विजिटेड रीजन है, तो वहाँ तो और भी कमाल का मंज़र होगा। मंज़र देख रहे हो, पत्थर ही पत्थर हैं, पत्थरों के अलावा कुछ नहीं है। यहाँ से वो जो ब्रिज है उसके बाद एकदम स्टीप चढ़ाई शुरू है शिंकुला की इस तरफ, बट लकीली मुझे कुछ ढाबे दिखाई दे रहे हैं एक दो चढ़ाई से ठीक पहले। कुछ देर हो गई थी, बहुत भूख लगी थी, तो कुछ विश्राम करते हैं
और कुछ भोजन करते हैं। यहाँ भी बाय, यहाँ भी एक्चुअली एक बस्ती है वर्कर्स की, जो रोड का कंस्ट्रक्शन चल रहा है इस पे जो लेबर का काम करते हैं। ओके, सोनम चाइनीज डिश, एक ढाबा आया है। तो अभी इस ढाबे पे ज़्यादा कुछ ऑप्शन था नहीं मेरे पास, सिर्फ मैगी ही एक ऑप्शन था, वो खाई है और एक चाय पी है। 12:30 बज गए हैं और यहाँ से हमको चढ़ाई शुरू करनी है शिंकुला की। 22 किलोमीटर है यहाँ से। ये टेंट सारे जो लगे हुए हैं, ये रोड पे जो काम करने वाले हैं मोस्टली भाई ये झारखंड के ही हैं। यहाँ एक हेलीपैड बनाया हुआ है और अभी खाली वक्त है इनके पास थोड़ा, तो इस पे ये क्रिकेट खेल रहे हैं। क्या नज़ारा है ना इस जगह पे, इसी लोकेशन में नो कनेक्टिविटी, नो इंटरनेट, वाओ। वहाँ मैगी खाने के बाद 1 घंटा हो गया है चलते हुए और सारी की सारी चढ़ाई जो है पूरी स्टीप है। जितना जितना ऊपर जा रहे हैं एल्टीट्यूड बढ़ रहा है, ऑक्सीजन का लेवल जो है वो कम हो रहा है, थकान काफ़ी हो रही है। यहाँ सामने फिर एक साइट दिख रही है मुझे एंड आई एम श्योर वहाँ 1 या 2 ढाबे भी हैं। ये अच्छा है शिंकुला पे, क्योंकि जिस तरीके की स्टीप क्लाइंब है और बीच में कुछ गाँव वाँव भी नहीं है, तो फिर मुश्किल हो जाता है अगर कुछ फूड कॉर्नर ना हो बीच में, स्पेशली साइक्लिस्ट के लिए। तो शिंकुला यहाँ से भी अभी भी काफ़ी दूर है। ये एक छोटी सी साइट है, यहाँ पे 3 छोटे से टी स्टॉल टाइप ढाबे हैं और ये शायद है बाकी जो लेबरर है उनके रहने का इंतज़ाम। तो साइकिल खड़ी है, एक चाय पीते हैं, ढाबे दिखाते हैं आपको अंदर से कैसे होते हैं। लद्दाख के अंदर तिरपाल से बने हुए होते हैं और अंदर का आपको इंतज़ाम है ये, यहीं पे किचन, यहीं पे खाना, इधर ही सोना है ना। इधर नाइट स्टे वगैरह करे कोई तो हो जाता है इंतजाम, ऐसे इमरजेंसी टूरिस्ट वगैरह कोई। ठीक है, एक बंदे का क्या चार्ज लेते फिर आप? अभी तो फिर भी 150-200 इतना ही। ठीक, तो यहीं पे इस ढाबे में एक चाय पी। अभी 3 बजे हैं और इनसे पूछा तो इन्होंने बताया कि 3 किलोमीटर के आसपास जाके आपको ऐसे 1-2 ढाबे और मिल जाएंगे, उसके बाद शिंकुला तक ऊपर कुछ नहीं है। तो प्लान ये बना है कि चलते हैं 3-1 किलोमीटर और आज वहीं पे फेरा लगाते हैं, कल निकलेंगे फिर शिंकुला के लिए। शुक्र है हवा जो चल रही है वो मतलब पीछे साइड से चल रही है, वरना तो मुश्किलें और होनी थी। लद्दाख की जो खूबसूरती है वो सबसे ज़्यादा सूखे पहाड़ों में ही है, क्योंकि हर कुछ किलोमीटर के बाद इन पहाड़ों के जो रंग हैं वो बदल जाते हैं, एक अलग टेरेन दिखाई देता है। ये सारी कैंप साइट में नीचे पथरीली जगह है जहाँ पे कई देर कोशिश की तो मेरा टेंट लगा नहीं, क्योंकि कील जो है ज़मीन में गड़ नहीं रही है, पत्थर ही पत्थर है। फिर डिसाइड हुआ, इनमें से एक भाई से पूछा है
कि अगर मेरे पास स्लीपिंग बैग है, एक बंदे की सोने की जगह है, तो मैं एडजस्ट हो सकता हूँ तो बताना। वो बोले ठीक है, कोई चक्कर नहीं। यहाँ सामने एक ढाबा ही है, तो थोड़ी देर यहीं वक्त बिताते हैं। गुड मॉर्निंग। कल टेंट तो मेरा नहीं लग पाया था क्योंकि पथरीली ज़मीन थी चारों तरफ। फिर शाम को स्लीपिंग बैग लेके यहाँ बीआरओ का एक कोई शेड बना हुआ है, डोरमेट्री टाइप, इन्हीं के वर्कर्स के लिए, तो उसमें सो गया था मैं। अभी सुबह ब्रेकफास्ट करके निकला हूँ, 9 बजे के आसपास होना टाइम। मौसम तो साफ है, पर आगे 13 किलोमीटर शिंकुला तक अब पूरी चढ़ाई है। एल्टीट्यूड की वजह से सुबह हल्का हल्का सर दर्द महसूस हो रहा था। जैसे ही फिर 2-3 गिलास पानी पिया, पराठा खाया, चाय पी, तो उसके बाद 10-1 मिनट बैठा, फिर ठीक हो गया। तो ऊंचे इलाकों में यही होता है, सर दर्द तो हल्का हल्का एक कॉमन बात है, हो जाता है कई बार पानी की कमी से या कुछ खाया ना हो तो। पानी वानी पी ले, थोड़ा मीठा खा ले तो ठीक हो जाता है। इस रोड पे अभी भी काम चल रहा है, मेरे ख्याल में पूरा शिंकुला तक भी नहीं बना है। ये देखो, इस रोड का काम चल रहा है और ऊपर से पत्थर चुन चुन के नीचे फेंक रहे हैं जो रोड में काम आ सके। तो जिस एल्टीट्यूड पे नॉर्मली लोगों को चक्कर आने लगते हैं, उस एल्टीट्यूड पे दिन भर ये लोग पत्थर तोड़ते हैं और ये रोड बनते हैं। और इनके बच्चे भी ऐसी जगहों पे पलते पड़ते हैं। ये देखो, इनको लग ही नहीं रहा कि यहाँ और ऑक्सीजन की कमी है। मस्ती में लेते हैं। अभी लास्ट के 4-5 किलोमीटर की चढ़ाई बची है और आखिर में आके जो क्लाइंब है वो और मुश्किल हो जाती है। एल्टीट्यूड और हाई हो जाता है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। 2-3 चॉकलेट थी मेरे पास, थोड़ी एनर्जी लेते हैं तो थोड़ा ठीक रहेगा। पंद्रह हजार फीट से ज़्यादा की हाइट का कोई भी पास क्रॉस करते टाइम लास्ट का जो स्ट्रेच होता है ना 2-3 किलोमीटर का, उसमें हमेशा ही हर थोड़ी देर बाद एल्टीट्यूड की वजह से थकान महसूस होती है, सांस फूलती है। मेरे पास एक ही बोतल थी, पानी जो था वो ख़त्म हो गया चढ़ते टाइम, थोड़ी थोड़ी देर बाद पानी पीना पड़ता है। तो अब जाके एक थोड़ी सा साफ पानी का स्ट्रीम आया इस तरफ, तो यहाँ से पी लेते हैं और आगे के लिए थोड़ा भर लेते हैं। हालत से लग रहा है कि अब हम नज़दीक पहुँच गए हैं। पक्का रोड कोई 3 किलोमीटर पीछे ख़त्म हो गया था, उसके बाद ये बजरी वाला रास्ता है। और अभी हम आई थिंक शिंकुला का एग्जैक्ट स्पॉट नहीं तो टॉप का जो पहाड़ है वहाँ पहुँच गए हैं। वो देखो सामने ग्लेशियर अभी भी बिल्कुल जमे हुए पड़े हैं। ये देखो, यहाँ भी अभी तक बर्फ़ पड़ी है। जून
ऑलमोस्ट एंड हो गया है। सो गाइस ये है शिंकुला पास का एरिया, पास हालांकि टॉप जो है 0 पॉइंट वहाँ पे है सामने, और यहाँ ये सामने एक छोटी सी लेक बनी हुई है जिसको हम देखेंगे उधर पास जाके। बिल्कुल टॉप पे पहुँच के काम चल रहा है रास्ते का, वो नाला अभी भी क्रॉस किया मैंने, आगे रोड की हालत देख लो आप। फाइनली वी हैव रीच्ड शिंकुला टॉप। ये मेरे राइट साइड में नीचे लेक आधी जमी हुई है, और हाँ ये है 0 पॉइंट, यहाँ से आगे जांसकार आएगा। So guys, here I am finally at Shinkula top, and this is my first time I am visiting this pass. बहुत कमाल का व्यू है, बहुत ही कमाल का नज़ारा है चारों तरफ। मेरे पीछे देख सकते हैं आप, नीचे एक आधी जमी हुई लेक, चारों तरफ बर्फ से ढकी हुई ऊंची ऊंची पहाड़, और यहाँ शिंकुला टॉप। ये है शिंकुला टॉप का व्यू, इस तरफ लेक है, शिंकुला टॉप 16,580 फीट। एक खड़ी अपनी गाड़ी, और यहाँ से होगा अपना सफ़र जांसकार का शुरू, इस तरफ रह जाता है जांसकार।